फिर हेलो वर्ल्ड के आगे करते हैं। तो ये वाला हेलो वर्ल्ड हमने कर लिया था और हमने अब कंप्यूटर में इसको करना था, कंप्यूटर में ज़रा करना था, देखते हैं क्या सीन है। इसी हेलो वर्ल्ड को हम कंप्यूटर में करके देखते हैं। बैच 9 खोल लेते हैं। अच्छा जी, मैंने 6.react करके ना एक फ़ोल्डर बना लिया है यहाँ पे, और इसमें अब गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैंने टर्मिनल खोलना है। मैंने कहा CD 6 Tab Enter और React के फोल्डर के अंदर मैं आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा npx create -react-app और स्पेस मेरी ऐप का नाम। मेरी ऐप का नाम क्या हो सकता है फ़िलहाल के लिए, हेलो, सही है, हेलो लिखा है मैंने जस्ट, और एंटर। ओह, यहाँ पे इसको ना सूडो मैंने नहीं लगाया। लिनक्स पे और मैक पे जो है सूडो क्या होता है, वो किसी भी कमांड के साथ अगर मैं सूडो लिखता हूँ तो इसका मतलब है वो कमांड मैं एज आ एडमिन चला रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर वो कमांड चला रहा हूँ। ठीक है, विंडोज़ में ये चीज़ ज़रा मुख्तलिफ तरह से होती है कि टर्मिनल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं फिर कमांड चलाते हैं। विंडोज़ में ये काम इस तरह होता है। इसमें हाँ, npx क्या चीज़ है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा दोस्त ने। npm तो पता है कि जी Node.js जब इंस्टॉल होता है तो उसके साथ एक पैकेज मैनेजर आता है मेरे पास, और उस पैकेज मैनेजर का जो नाम होता है वो npm होता है, नॉड पैकेज मैनेजर। अच्छा, x जो है ना वो लिनक्स के अंदर जो x एग्जीक्यूट के लिए एक समझ लो डिवाइस हुआ हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ असल में कि बैकग्राउंड क्या है इसका। जैसे हमारे पास विंडोज़ के अंदर ना जो एक्सेस होता है वो रीड और राइट होता है, लिनक्स और मैक में ना एक एडिशनल एक्सेस भी होता है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, तो वो उसको एक तो रीड आर, राइट डब्ल्यू और एक्स, तो वो आर डब्ल्यू और एक्स करके जो है ना वो लिनक्स में होता है, शुरू से होता है। सही है, एग्जीक्यूट का एक्सेस होता है। एग्जीक्यूट के एक्सेस के सीन में क्या होता है कि कोई भी फाइल है ना आप उसको ओपन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोसेसर में डालेंगे चलेगा वो। सही है, मतलब एज अ विंडोज़ यूज़र अगर किसी को ये बात शायद बिल्कुल नहीं लगे, लेकिन लिनक्स में ये काम शुरू से होता है। तो वो एक्स उसको करते थे कि जी एक्स का एक्सेस है या नहीं है, तो वो वही वाला एक्स है ये npx। npx का मतलब क्या है, अगर मैं npx करके कोई चीज़ लिखता हूँ साथ में तो उसको क्या करेगा, वो ना सिर्फ इंस्टॉल करेगा बल्कि साथ साथ एग्जीक्यूट भी करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने npx नहीं लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले लिखूँगा npm install create react app और उसके बाद अगली लाइन में लिखूँगा मैं create react app स्पेस और मेरी ऐप का नाम। तो ये वो शॉर्टकट में एक लाइन में लिखते हैं। अच्छा, इसको दो दफ़ा जो इसको npx करके ही चलाना है, इसको npx किए बगैर अगर आप चलाएंगे तो वो एक वार्निंग देता है, वो ये बोलता है कि यार ये ना इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना मना किया हमने। अच्छा, npx का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना वो ये होता है कि जब आप npx करके किसी कमांड को चलाते हैं, ठीक है, तो अगर पहले से कोई चीज़ इंस्टॉल होती है तो उसको वो दोबारा इंस्टॉल नहीं करता, डायरेक्ट रन करता है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि जी अगर कोई ऐसी कमांड आप चला रहे हैं जो आपकी मशीन में ऑलरेडी मौजूद नहीं है, जैसे फायरबेस टूल्स हमने इंस्टॉल किया था तो फायरबेस अवेलेबल होता है, गिट इंस्टॉल किया था तो गिट अवेलेबल होता है। अब क्रिएट रिएक्ट ऐप मिसाल के तौर पर मेरी मशीन में मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने npx करके चलाया तो वो पहले इंस्टॉल हुआ और फिर चल गया। वंस वो इंस्टॉल हो गया दोबारा नहीं इंस्टॉल करेगा वो इंस्टॉल हुए हुए को चलाएगा, लेकिन अगर कोई अपडेट आ गई तो वो इंस्टॉल दोबारा करेगा। ठीक है, वो ख़ुद से उसको पता लग जाता है समहाउ। तो npx के ना ये सारे बेनिफिट्स हैं, इस वजह से वो बजाय दो स्टेप में करने के सिंगल स्टेप में ये काम करवाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम, ये मेरे पास क्या हो गई, एक ऐप बन के तैयार हो गई। अच्छा, ये जो मैंने काम किया ना npx के ज़रिए और क्रिएट रिएक्ट ऐप के CLI टूल के ज़रिए एक रिएक्ट की ऐप बनाई है, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा क्रिएट रिएक्ट ऐप के CLI टूल से
रिएक्ट की ऐप बनाऊँ, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रिएक्ट क्योंकि एक लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप की तरह, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं प्लेन HTML CSS की ऐप बनाऊँ और उसमें जैसे बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करता हूँ ऐसे मैं रिएक्ट को इंक्लूड कर लूँ। ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं ये काम। मैं करूँगा इसलिए नहीं क्योंकि उसमें मुझे बॉयलर प्लेट बहुत लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, शुरू में जो लिखने वाले कोड होगा ना वो बहुत सारा लिखना पड़ेगा। इसके अंदर जो है ना वो बॉयलर प्लेट सारा लिखा हुआ है और प्लस कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन भी हुई हुई है जिससे ऑटोमेटिक काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब वो ऑटोमेटिक कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं वो अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले ज़रा ये हेलो वर्ल्ड रन करते हैं। लेकिन अच्छा जी, तो मैंने जैसे ही लिखा है ना npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हेलो, तो हेलो के नाम से एक फोल्डर बनाया यहाँ पे। दिस फोल्डर इज़ माई रूट डायरेक्टरी। ठीक है, या उसको वर्किंग डायरेक्टरी कह सकते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो रूट होता है ना वो होती है। ठीक है, अब तो मैं cd करके ज़रा इस वर्किंग डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। हेलो करके मैं हेलो के अंदर चला गया। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, npm start। अभी npm start जो है ना, जब मैं Node.js की ऐप बनाता था, एक्सप्रेस की ऐप बनाता था, उसमें इस npm start के लिए क्या करना होता था, package.json के अंदर जाके स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी। इसमें मुझे वो नहीं लिखना पड़ा। इसमें मैंने जैसे ही ये काम किया npm start, वो पहले से लिखा हुआ था, चल गया। अच्छा, क्या कह रहा है भाई ये, परमिशन नहीं मिल रही इसको। परमिशन के बहुत मसले हैं इसके साथ। इसको मैंने रोका और मैंने इसको sudo करके npm start कर दिया। सही है, अब इसको परमिशन मिल गई। हाँ, ऑटोमेटिक उसको ओपन कर रहा है ना। क्या मतलब डायरेक्ट यार, हाँ वो भी लिख सकते हैं। वो एक्सप्रेस में भी कर सकता था, मैं एक्सप्रेस में भी ये काम कर सकता था, मैंने किया नहीं था लेकिन कर सकता था। सही है, वेल तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने टर्मिनल को ना सिर्फ क्लियर किया, कंपाइल सक्सेसफुली लिखा हुआ आया और इसने बोला भाई लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, और ना सिर्फ चल रहा है बोला बल्कि ब्राउज़र पे खोल के भी दिखा दिया। तो ये सारा काम असल में मैं कर सकता था, किसी भी ऐप में कर सकता था, लेकिन किया नहीं। इन्होंने कर दिया, पहले से ही करके रखा हुआ हमारे लिए। अच्छा, करके मिल जाए तो बहुत अच्छा है। है ना, एक्सप्रेस में अगर ये काम मुझे करना पड़ता तो शायद मैं बोलता नहीं यार, मैं हर दफ़ा हाथ से खोल लूँगा, आई एम गुड विद दैट। इसमें लेकिन करके दे दिया, मैंने कहा ठीक है, किया हुआ तो अच्छी बात है, मैं ऐसे भी सही हूँ। तो बॉयलर प्लेट में ये होता है, ज़रा छोटी छोटी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। अच्छा, तो ये जी मेरी रिएक्ट की ऐप ना हेलो वर्ल्ड जो है क्या हुई, चल पड़ी। यहाँ पे आके मैंने वही वाले पांच स्टेप करने हैं हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए। इसने बोला था कोड सैंडबॉक्स, इसने बोला भाई app.js ओपन है ना, इसको क्लोज करो, डिलीट मारो, आ जाओ हमारी app.js src के फोल्डर के अंदर है। app.js में गया, सही है, इसके अंदर से चीज़ें डिलीट मारी और इस app.js को भी डिलीट मार दिया। सही है, डिलीट परमानेंटली। अरे क्या मसला है भाई, एक तो हर चीज़ में जो है ना इसको app.js को डिलीट मार दिया हमने। अरे यार, इसको मैं अभी डिलीट मारता हूँ फाइंडर में से जाके। सही है, app.js को यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। बड़ा तंग कर रहा है डिलीट करने में ना, बहुत वो कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा अब क्या करना है, इसने क्या बोला था, आगे इंडेक्स पे चले जाओ, index.js पे चले जाओ। index.js पे चला गया मैं। index.js पे आने के बाद इसने बोला सारा कोड index.js का डिलीट कर दो, कर दिया हमने, आ जाओ। उसके बाद क्या बोला इसने कि ये वाला जो कोड है ना वो index.js में क्या कर दो, जाके पेस्ट कर दो, आ जाओ। ये कोड मैंने index.js में पेस्ट करके सेव कर दिया। सही है, और पेस्ट करके सेव करने के बाद क्या बोल रहा है ये, कि क्या मैं नहीं करूँगा, इसका भी मैं हल निकालता हूँ, इस इंडेक्स को भी मैं डिलीट मारता हूँ और नया इंडेक्स बना लेता हूँ। सही है, इस इंडेक्स को भी मैंने डिलीट मार दिया। सही है, और यहाँ पे आके मैं नया index.js बना लूँगा। सही है, नया, अरे क्या मसला पड़ गया इसको, हर चीज़ में रोना लगा रहा है ये तो। पता नहीं क्या सीन है। चलो एक काम करते हैं, इसके एक्सेस को ना ज़रा सही करते हैं।
ये असल में जो फाइल्स आई है ना उसका जो परमिशन है ना वो ज़रा उल्टा पुल्टा हुआ हुआ है। तो मैं ये करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ मैं अपने मेन फोल्डर पे और गेट इन्फो करके ना जाके, और इसके परमिशंस को जब मैं चेक करता हूँ तो ये कहता है कि यार एवरी वन जो है ना उसको सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस है और बाकी सिस्टम को है ना रीड राइट का दोनों का एक्सेस है। तो मैंने बोला पहले तो इसमें ताले को खोला, ताले को खोला, और ताले को खोलने के बाद मैंने कहा एवरी वन को जो आपने एक्सेस देना है ना बच्चा वो आपने देना है रीड राइट, और इसको भी देना है आपने रीड राइट, सही है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने कहा जितने इसके अंदर भी फोल्डर हैं उस पर भी इस चीज़ को अप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो ये हेलो के फोल्डर पे ये मैंने काम कर दिया। इसको करने के बाद ज़रा देखते हैं, होपफुली ये वाला मसला मेरा हल हो जाएगा शायद। और ये करने के बाद इस ताले को वापस मैंने बंद कर दिया। ये मसला यार नेक्स्ट जेएस में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है आजकल, पता नहीं क्या है इन्होंने मसला डाल दिया नया। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट जेएस बनाता हूँ, अब सही बन गया, ठीक है। मतलब जब मैं बॉयलर प्लेट में जो ऐप बन के आती है मेरे पास उसमें ये दोनों फाइलें डिलीट करने नहीं दे रहा। अच्छा, अच्छी बात है ये वैसे, हम होपफुली इन दोनों फाइलों को डिलीट करेंगे भी नहीं इन रियल लाइफ ना, लेकिन अभी हम हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं तो इसमें हम सब करेंगे। अच्छा, तो मैंने index.js में ये कोड पेस्ट कर दिया, और index.js में ये कोड पेस्ट करने के बाद मैंने इसको दोबारा npm स्टार्ट किया तो ये दोबारा चल जाएगा। लेकिन अब की बार ये क्या दिखाएगा मुझे, अब की बार मुझे दिखाएगा ये हेलो वर्ल्ड है। ये असल में रन डेव ही है, ये फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड में जो स्टार्ट है ना वो असल में डेवलपमेंट है, सही है। जो इसमें क्योंकि ये प्रोडक्शन तो फायरबेस होस्टिंग पे जाएगा ना, ये प्रोडक्शन इसकी फायरबेस होस्टिंग पे जाएगी, सही है। अच्छा, ये समझ आया इतना कि ये एक्चुअली वही प्रोजेक्ट है जो क्लाउड सैंडबॉक्स में था। मैंने उसके अंदर भी क्या किया, index.js में वो कोड लिखा तो चल गया। अच्छा, क्या app.css मेरे काम का है, नहीं, डिलीट करो उसको। app.test मेरे काम का है, नहीं। index.css मेरे काम का है, नहीं। लोगो svg नहीं, रिपोर्ट वाइटल नहीं, ये नहीं। src के अंदर सिर्फ दिस फाइल, दिस एंड ओनली दिस फाइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। एक ही फाइल मेरे पास है और ये मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब वो बाकी सारी फाइलें क्या थी, क्यों थी, थोड़ा थोड़ा करके उसको हम देखेंगे। और रिएक्ट का लोगो तो वो तो एक फ़ोटो लगी हुई थी ना, नहीं अब चलाएंगे तो यार चल तो रहा है, ये रहा चल रहा है। इसमें मैं देखो कुछ और लिखूँगा यहाँ पे, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड और साथ में ये देखो बात लिखी, सेव किया, इधर आया ये अपडेट है, सही है। रिएक्ट की ऐप चल रही है ये। अच्छा, कैसे उन्होंने बोला था कि इसको बोल्ड करो, आप इसको बोल्ड करने बोला था ना, इसको बोल्ड किया यहाँ पे, है ना, इसको बोल्ड किया, यहाँ बोल्ड हो गया है। स्ट्रॉन्ग से करवा दें, स्ट्रॉन्ग से करवा दें, एक ही बात है, सही है, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड हो गया ये। वेल, तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया, यहाँ तक का काम हमने कर लिया, एक ऐप को रन करके उसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड चला लिया। सब लोगों को ये बात समझ आ गई यहाँ तक कि क्या हुआ है। अच्छा, अब ज़रा एक काम करते हैं, इन्होंने जो किया था ना योर टर्न वाला, वो काम यहाँ कर लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम, क्या मैं वो खोल सकता हूँ कोड सैंडबॉक्स वाला? हाँ, ये खुल गया ना, वही यही किया था ना हमने लास्ट, ये बनाया था हमने, फिर अच्छा चलो वेल, हाथ से दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वाला था ना, अब इसमें योर टर्न में चलते हैं नीचे, वही एग्जैक्टली सारा काम हम कर लेते हैं यहाँ पे। योर टर्न में इसने बोला था कि यार हेलो को ना, हेलो के आगे अपना नाम लिख दो, आप अपना नाम लिख देते हैं हेलो के आगे। प्यारे बच्चों, यहाँ मुतवज्जा हो जाओ यार, जल्दी से इधर, जल्दी से देखते जाओ, जल्दी जल्दी हमने इसको आगे बढ़ाना है अभी, ठीक है। हेलो लिखा हुआ था, मेरा नाम लिख दिया और मेरे नाम को
बोल्ड भी कर दिया, सही है। आ जाओ अब आगे। अच्छा कह रहे हैं कि भाई सम मोर HTML लिखो आप, ऑर्डर अन ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ। ठीक है, ऑर्डर अन ऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं हम, सही है। इस डिव को मैंने खोला, यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, UL बना देते हैं, सही है। ये मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी एक, आगे देखते हैं यहाँ पे बनी हुई लिस्ट। ठीक हो गया, और क्या बनाना है जी? कह रहे कि ऐसे 5+10 करोगे तो 5+10 को जावास्क्रिप्ट के तौर पे ट्रीट करेगा। ठीक है, मैं आता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक डिव बनाता हूँ, बल्कि एक डिव बना दी मैंने यहाँ पे, और उसके अंदर मैं 5+10 लिखता हूँ। तो क्या इसको ये जावास्क्रिप्ट के तौर पर ट्रीट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं, नहीं किया इसने, 5+10 एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस ऐसे करके मैंने लगा दिया। क्या अब इसको ये जावास्क्रिप्ट के तौर पर ट्रीट करेगा? अरे रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, यहाँ मैंने सेव नहीं किया, सही है, 15 आ गया। ऐसा मैंने किया तो 15 आ गया। ठीक है जी, और देखते हैं जी क्या बताया है इन्होंने आगे। अच्छा, इसने बोला भाई CSS की इस फाइल लगानी है, आ जाओ CSS की फाइल बना लेते हैं। कैसे बनाई थी हमने? SRC के फोल्डर में ही एक styles.css भी कर सकते हैं, index.css भी, जैसे आपका दिल करे, सही है। जो भी फाइल का नाम होगा फिर उसी नाम से उसको क्या किया जाएगा, इम्पोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट और .styles.css ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और styles.css में जाके मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ div को क्या कर दो आप, div का कलर रेड कर दो, div का कलर रेड कर दो, सही है। यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करने की ज़रूरत है इसको, ये CSS की फाइल है इसलिए इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अगर ये कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल होती तो उसको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी होता। अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे मैंने लगा दिया। इस स्टाइल की शीट में क्या लिखा हुआ है कि डिव का कलर रेड कर दो, तो ये जो डिव है ना पूरा का पूरा डिव है जो मेरा, इस पूरे का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आके देखते हैं, ये देखो पूरे का कलर रेड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, क्लास नेम लगा देता हूँ, क्लास नेम इक्वल्स टू लास्ट। ठीक है, लास्ट जो डिव है मैंने बोला ये वाला, हाँ अच्छा, क्लास नहीं लगेगा इसमें, क्लास नेम लगेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या बोलूँगा, स्टाइल में जाके मैं बोलूँगा कि डिव डॉट क्लास, ओ सॉरी, डिव डॉट क्लास नहीं, डिव डॉट लास्ट, है ना, क्लास का नेम लगाऊँगा ना मैं डॉट करके, डॉट सेलेक्टर है ना ये, क्लास सेलेक्टर याद है ना सब लोगों को, CSS में पढ़ा था। तो अब ये कौन से डिव पे लगेगा? सिर्फ उस डिव पे लगेगा जिसके अंदर क्लास जो होगी वो लास्ट लगी हुई होगी। ठीक है, आके देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में 15 जो है वो 15 जो है सिर्फ, डॉट क्लास भी लगा सकते हैं, ये ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है लास्ट जो किसी हेडिंग पे भी लगा वो, हो सकता है लास्ट किसी और पे भी लगा वो, तो बेहतर ये है कि मैं ऐसे करके लगाऊं, बट इट डिपेंड्स ऑन माय सिचुएशन। हो सकता है मेरे पास लास्ट किसी और पे हो ही ना, तो बस जस्ट लास्ट लिख दूंगा तो भी चल जाएगा जी। हाँ सॉरी, मैं बात नहीं समझाई। हाँ 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 नहीं, देखो बात तो असल में ये है ना, देखो ये पूरा JSX है ना, ये डिव पूरा, ये पूरा JSX है, तो इसमें कहीं पे भी मैं अगर ये लगाऊंगा ना करली ब्रेसेस तो ये काम करेगा। मिसाल के तौर पे तुम शायद ये पूछ रहे हो कि क्या मैं यहाँ पे खुला लगा दूँ, अगर यहाँ पे मैं खुला लगा दूँ कि भाई 60 × 4, ठीक है, तो क्या ये काम करेगा? इसका जवाब है हाँ, ये काम करेगा, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो यहीं पे खुला ऐसे लिखा हुआ जाएगा,
अब खुला लिखे माने का मतलब क्या है कि उस पर मैं कोई स्टाइलिंग नहीं लगा सकता, ठीक है। तो रियल सिनेरियोज में मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, ठीक है, करके देखते हैं। आ जाओ यहाँ पे देखो, नीचे रिजल्ट आ गया इसका लिखा हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार इस पर मैं कोई स्टाइलिंग अप्लाई कर दूँ, जस्ट इस पर नहीं कर सकता। इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है मेरा कौन सा? ये वाला डिव, ये डिव इसका पेरेंट है ना। तो अब मैं कुछ भी लगाऊंगा पूरे डिव पे लग जाएगा, तो इस वजह से मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इसको। हाँ, ब्लैंक टैग पे भी फिर, लेकिन असल में ब्लैंक टैग का जो बिहेवियर होता है ना वो डिव वाला ही बिहेवियर होता है। सही है, ब्लैंक टैग का जो बिहेवियर है वो डिव वाला ही है। तो मैं अगर डिव लगा दूँ या ब्लैंक टैग लगा दूँ, एक ही बात है। अब कौन मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिएक्ट पहले से आती है? हाँ, अब चलो अब बताओ कि डिव और अगर ब्लैंक टैग एक ही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस भी है छोटा सा ही। हाँ भाई, जिसको रिएक्ट आती है उससे पूछ रहा हूँ मैं तो। अगर मैं डिव, चलो सवाल थोड़ा मजीद एलैबोरेट कर देता हूँ। अगर मैं डिव नहीं लगाता यहाँ पे, सही है, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे डिव लगाऊँ या मैं ऐसे ये एम्प्टी टैग लगाऊँ तो फ़र्क क्या होगा, किसी को पता है? हाँ, स्टाइलिंग कर सकता हूँ इसमें, कर सकता हूँ ना इसमें, तो मैं क्लास नेम लगा सकता हूँ इसमें मैं भाई। हाँ नहीं, नहीं लगाने दे रहा भाई ये नहीं लगाने दे रहा। अच्छा, मैं समझ रहा था कि ब्लैंक टैग्स पे स्टाइलिंग हो जाती है, लेकिन मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है कि इस पे तो क्लास नेम नहीं लगाने दे रही है। तो जब क्लास नेम इस पे लगाने नहीं दे रहा, तो फिर तो मैं, अगर मैं इसको लगाऊं या इसको खाली मतलब बिल्कुल ऐसे लिख दूं, सही है, और या मैं ब्लैंक टैग लगा दूं, तो स्टाइलिंग तो मैं दोनों केसेस में नहीं कर सकता। तो मुझे डिव ही लगाना चाहिए असूलन इसमें, ब्लैंक टैग मुझे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी मुझे इस पे स्टाइलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी ना कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस पर स्टाइलिंग करने की। ऐसा हो नहीं सकता? हाँ नहीं, वो एक एलिमिनेशन के लिए कि यार तो स्टिल वेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैंक टैग मैं सिर्फ वहाँ लगाऊंगा जहाँ मुझे कभी स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है तो मैं डिव लगाऊंगा। एक और भी है, लेकिन ये तो शुरू में ही गेम ओवर हो गया ना, वो आगे वाली बात फिर इनवैलिड हो गई। अच्छा, तो ये हमने यार हेलो वर्ल्ड का ना क्या कर लिया, चारों स्टेप कर लिए, और ये CSS भी यहाँ पे लगा ली। अच्छा, अब यहाँ पे इसने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि इतना काम कर लिया ना अगर आपने, तो इतना काम करने के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्टेटिक साइट को बना सकते हैं। रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्टैटिक साइट को बना सकते हैं। अच्छा, तो अब आपका असाइनमेंट क्या हो गया इतना काम करने के बाद, कि आप इसके ऊपर CV की वेबसाइट पूरी बनाएंगे आप। हाँ, नई CV की बनाना, उसमें ज़रा स्टाइलिंग वगैरह ज़्यादा है ना। हाँ, CV की वेबसाइट ही होगी वो, रिएक्ट की ऐप तो वेबसाइट होती है ना। हाँ, सब देगा। तस्वीर लगाना बता दूँ? अच्छा, तस्वीर लगाना बता देता हूँ। IMG का टैग लगाया और SRC लगा दिया इसमें। SRC लगाने के बाद Alt का टैग लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, SRC में अब मैं क्या दे सकता हूँ? SRC में नंबर एक चीज़ तो मैं दे सकता हूँ, रिमोट URL। लेकिन असल प्रॉब्लम ये था कि लोकल फाइल कैसे लगेगी,
ये रिमोट यूआरएल तो इसमें सेम तरीके से लगता है, लेकिन लोकल फाइल लगाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और वो थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से आगे जल्दी से मैं क्या कर लेता हूँ, एक इमेज उठा लेता हूँ, मैंने कहा कार, और कार की इमेज पे गया, और कार की इमेज पे जाने के बाद ब्लू कलर की जो कार है ना वो मैं यहाँ से ले के आ जाता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूँ यम 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 यम, सेव इमेज एज, और डाउनलोड्स में मैंने इसको क्या कर दिया, सेव करवा दिया, राइट। और डाउनलोड्स में सेव करवाने के बाद मुझे ज़ाहिर है इसको लेकर आना पड़ेगा अपने पास वी एस कोड के फोल्डर में। अच्छा, वी एस कोड में मैं इसको ला के एस आर सी के फोल्डर में ही क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। और इसका नाम मैंने चेंज करके कार डॉट जे पी जी कर दिया है, ताकि नाम लिखने में मेरे लिए ज़रा सा आसान हो जाए। भाइयों क्या डिस्कशन चल रही है यार, इधर देख लो, रिएक्ट आती है तुम लोगों को सबको? आती है तो बताओ फिर, मैं साथ साथ फिर सवाल भी पूछता जाऊँगा ना पढ़ाने के से पहले पहले। असल में एक था हमारा दोस्त, उसका सीन ये था कि उसको कोई भी बात बताओ ना, वो कहता था अबे भाई मेरे से ही सीखी है ये तूने, पता नहीं है मेरे से ही सीखी है, मैंने ही बताई थी फला दिन। अबे भाई समझ रहे हो, ये करता था वो हमारे साथ। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि अब जो भी बात बताने वाले होते हैं ना पहले पूछते हैं उससे, और अच्छी तरह तसल्ली से पूछते हैं, फिर बताते हैं। अच्छा पता नहीं है ना, पक्का होता है, हाँ नहीं पता, फिर बताते हैं। सही है, मिसाल के तौर पे हम कहेंगे यार वो फला लड़के थे ना उधर जो वहाँ थे, वो यार पिकनिक गए हुए थे, कहेंगे अभी पता है मेरे को, मैंने ही बताई थी, ग्रुप में डाला था मैंने। तो अगर कोई भी यहाँ पे ये कहेगा कि मेरे को रिएक्ट आती है तो मैं पहले पूछूंगा, जो भी टॉपिक पढ़ाने लगाऊंगा उससे पहले मैं पूछूंगा कि आती है, फिर जब वो बोलेगा नहीं नहीं आती है फिर पढ़ाऊंगा। एंटरटेनमेंट भी तो कोई चीज़ है ना यार अपनी भी, पढ़ना पढ़ाना एक अपनी जगह है, अपनी इंटरटेनमेंट भी अपनी जगह होनी चाहिए। वेल तो भाई देखो एस आर सी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये इमेज है ना, जो अगर ये प्लेन एच टी एम एल होती, प्लेन सी एस एस होती, तो मैं क्या करता यहाँ पे एस आर सी पे आके डॉट स्लैश लगाता और कार डॉट जे पी जी लगा देता यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्ट में लेकिन इस तरह काम नहीं करेगा, ठीक है, रिएक्ट में इस तरह काम नहीं करेगा ये, सही है। रिएक्ट में ये कैसे काम करेगा, इस इमेज को मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा, इम्पोर्ट डॉट स्लैश कार डॉट जे पी जी, सही है, सॉरी यार वो सजेशन मिलती है, सजेशन मिलती है, इसको मैंने इंडेक्स डॉट जे एस एक्स करना होगा, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स करूँगा ना, आप देखो सजेशन कैसे टकाटक मिलेगी, सही है, देखो आ रही है सजेशन अब, इम्पोर्ट डॉट स्लैश, इसमें नहीं आई यार, इसमें भी आनी चाहिए थी वैसे, कार डॉट जे एस और कार डॉट जे पी जी, सही है। अच्छा सी एस एस की फाइल अगर होती तो इतना इम्पोर्ट करना काफ़ी होता, लेकिन अब ये जो फाइल है ना कार डॉट जे पी जी, इसको मुझे मेरी फाइल में किसी ना किसी नाम से इम्पोर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कि इम्पोर्ट कार इमेज, ठीक है, फ्रॉम करके करूँगा मैं, तो कार इमेज के नाम से मेरे पास ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कार इमेज क्या है, कार इमेज इज़ जस्ट लाइक अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फाइल, ये वेरिएबल इसी तरह है कि जैसे मैंने इस फाइल में कोई वेरिएबल अपने हाथ से बनाया हूँ, ये जस्ट उसी तरह है, ठीक है। तो मैं कार इमेज को क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करके लगा दूँगा, ठीक है भाई, अब चल जाएगा ये, आर यू श्योर, हाँ सारी सब इम्पोर्ट होगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं जो आपने डिस्प्ले करानी है, तो तमाम इमेजेस को आप एक एक करके इसी तरह इम्पोर्ट करेंगे, फोल्डर के अंदर भी, फोल्डर के अंदर करके दिखा देता हूँ, फोल्डर के अंदर से भी इम्पोर्ट हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, नहीं नहीं आई एम नॉट श्योर, क्या पता हो जाता हो ऐसा, बट आई एम नॉट श्योर। दोस्त पूछ रहे हैं कि अगर फोल्डर में 10 इमेजेस हैं तो क्या मैं 10ों को एक साथ इम्पोर्ट कर सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, गूगल कर लेना, अगर होगा तरीका तो पता लग जाएगा। अच्छा वैसे ऐसी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है कि मैं फोल्डर से इमेज उठा रहा हूँ, ऐसी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है रिएक्ट के ऐप में, जी दोस्त,
अभी वो मैं फोल्डर के अंदर रख के बता देता हूँ। अच्छा पहले तो ये बताओ कि इस तरह चलेगा या नहीं चलेगा ये, क्यों? ये जो है वेरिएबल का नाम है भाई, वेरिएबल के नाम को हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जब इसको ये बात समझ आएगी। ठीक है, करली ब्रैकेट में मैंने जितना पार्ट लिखा है ना एसआरसी के सामने, मैंने एसआरसी के अगेंस्ट मैंने एक वेरिएबल पास किया है। ठीक है, और ये एसआरसी क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट है ना, एसआरसी एट्रीब्यूट है ना, ये प्रॉप है। गौर से समझो, चलो ये पहले चला के दिखाते हैं फिर ये समझाता हूँ कि क्या चक्कर है भाई। ये एट्रीब्यूट कभी भी नहीं होगा, रिएक्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सारे असल में प्रॉप हैं, वो देखने में एट्रीब्यूट के जैसे हैं लेकिन वो असल में प्रॉप्स हैं। ठीक है, अरे क्या हो गया, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व, इमेज गुम हो गई इससे। अच्छा नहीं, वो असल में हुआ पता है क्या है, हुआ ये है कि वो जो एक पहली फाइल है ना इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, इसको मुझे जे एस ही करना पड़ेगा। या एक मिनट अगर मैं रोक के चलाऊं तो क्या ये इसको समझ जाएगा? हाँ रोक के मुझे चलाना पड़ा है, रोक के चलाया हूँ तो समझ गया वो। अच्छा यार इमेज तो बहुत बड़ी हो गई है, इसकी ज़रा विड्थ कम कर दूँ मैं, विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया जी, इमेज मेरे पास क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, अच्छा ये विड्थ क्या चीज़ है, प्रॉप है या एट्रीब्यूट है? ये प्रॉप है, सही है। अच्छा इसको अगर मैं 200 ऐसे करके देता, ऐसे करके देता तो भी एक्सेप्ट कर लेगा और वही होगा इसका मतलब भी, सही है। रिफ्रेश कर दिया मैंने, ये इसका भी मतलब वही होगा। ठीक है, और बेहतर तरीका है इसको ऐसे करके दिया जाए, पिक्सल करके देना इसमें बेहतर तरीका नहीं है। रिएक्ट के अंदर ये बोलता है भाई ऐसे करके दो तो ज़्यादा बेहतर है। आर ई एम या ई एम दे रहे हैं फिर वो सी एस एस से देना होगा, फिर वो यहाँ से ना दें आप उसको, सही है, यहाँ से फिर ये ना दें। अच्छा ये वाली जो विड्थ है ये कौन सी विड्थ कहलाती है, ये वो वाली विड्थ कहलाती है जो एक्चुअल में इमेज की विड्थ है ना, वो मैं यहाँ देता हूँ। अगर इमेज मेरी 500 पिक्सल की है मैं यहाँ 200 पिक्सल दे रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर इमेज मेरी 500 पिक्सल की है ना तो यहाँ मुझे 500 ही देना चाहिए, सही है। हाँ अगर मुझे 500 पिक्सल की इमेज है बट मुझे 200 करके दिखानी है तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उस इमेज को मैं फ़ोटोशॉप में जाके साइज़ छोटा करूँ उसका, फ़ोटोपिया में, फ़ोटोशॉप में, जो भी इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें जाके मैं उस इमेज का साइज़ पहले छोटा करूँ और फिर उसको यहाँ ला के 200 पिक्सल की ही इमेज हो वो, और मैं यहाँ पर फिर 200 पिक्सल ही लिखूँ। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, यहाँ पर क्यों लिखते हैं हम इमेज का साइज़, विड्थ और हाइट? नहीं, हाइट और विड्थ दोनों लिखूंगा मैं यहाँ, और एग्जैक्टली वही लिखूंगा जो मेरे इमेज की है। क्यों लिखूंगा यहाँ पे, मैंने HTML के ज़माने में ये बात बताई थी, उतनी जगह ये कैप्चर करके रखता है, उतनी जगह ये रिजर्व करके रखता है। जब मेरा पेज लोड होता है तो इमेज तो थोड़ी देर में लोड होती है, HTML पहले लोड हो जाती है, CSS पहले लोड हो जाती है, तो मेरा पेज ब्रोकन नहीं लगता। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो मेरा पेज पहले लोड हो जाएगा और फिर जब इमेज थोड़ा थोड़ा करके लोड होगी तो पेज थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करेगा, वर्टिकली ग्रो करेगा या हॉरिजॉन्टली मेरा पेज ग्रो करेगा। ठीक है, जो कि ब्रोकन फीलिंग देता है, तो ये वाली फीलिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। यूज़र एक्सपीरियंस के वाले बंदों के हिसाब से ये ज़रा मुनासिब नहीं है कि पेज वंस लोड हो जाए और फिर एक एक करके ग्रो करे, सही है। तो पहले से ही उसको यहाँ पर पता हो कि जी ये जो इमेज यहाँ पर लोड होने वाली है थोड़ी देर में, 2-4 मिलीसेकंड बाद, उसका साइज़ क्या है, ताकि जैसे ही HTML लोड हो उतनी जगह कैप्चर करके रखे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इमेज में विड्थ और हाइट दोनों लगाता हूँ जी, अभी भेज देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने इमेज लगाना बता दिया। अच्छा अगर ये इमेज किसी फोल्डर में होता, दोस्त ने कहा कि अगर किसी फोल्डर में होता तो क्या करता मैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ मैं, इसका नाम रख देता हूँ मैं IMG और कार को मैं इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब तो ये मेरी इमेज चलना बंद हो गई है, बोल रहा है भाई जहाँ आपने इमेज बताई थी ना वो इमेज वहाँ पे मुझे नहीं मिल रही है,
तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि /img/car.jpg, सही है, जस्ट लाइक दैट, सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, दोबारा सेट होगी। हाँ, ज़्यादा पिक्चर होगी तो जितनी होगी 3, 4, 5, 6 आप ऐसे सबको इम्पोर्ट करोगे, सबको अलग अलग इम्पोर्ट करोगे आप, सही है। अगर तो कोई ऐसा जुगाड़ है कि भाई 10-12 इमेजेस एक साथ हो जाती हैं तो वो बात अलग है, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। हाँ नहीं, उसका एक साथ करोगे तो नाम भी फिर अलग अलग तो देना ही है ना, वो तो देना ही है हर हाल में, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि एक साथ करने का कोई जुगाड़ है नहीं। एंकर टैग सेम है। अच्छा, अब जल्दी से गौर से सुन लो कि ये विर्थ जो है ये प्रॉप क्यों है, ये SRC जो है ये प्रॉप क्यों है, ये गौर से सुन लो प्यारे दोस्तों, सब लोग इधर मुतवज्जा हो गए, जल्दी से सुन लो गौर से। ये इमेज जो है ना, ये HTML नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जो विर्थ लग रही है, इसके ऊपर जो SRC लग रही है, ये एट्रीब्यूट नहीं है। अगर ये HTML होता तो इसके ऊपर जो लगने वाला आइटम है ये सारा एट्रीब्यूट होता, क्योंकि ये JSX है, क्योंकि ये JSX है, इस वजह से इसके ऊपर लगने वाले तमाम ये जो इनपुट्स हैं इसको हम प्रॉप्स कह रहे हैं, इसको हम एट्रीब्यूट नहीं कह रहे हैं। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि ये HTML नहीं है, ये JSX है, तो इसका मतलब है कि JSX तो कंपोनेंट होता है, इसका मतलब है IMG इज़ अ कंपोनेंट। अच्छा, हमने तो ये कंपोनेंट बनाया नहीं है, हमने तो कंपोनेंट एक बनाया है अभी ऊपर, हेलो, ये हमारा पहला कंपोनेंट है, ठीक है, और इसके रिटर्न के अंदर ये जो डिव लिखा है मैंने, ये कंपोनेंट किसने बनाया है, यहाँ पे जो UL लिखा है ये कंपोनेंट किसने बनाया है, ये HTML नहीं है, ये याद रखना। अगर इससे आप बिहेव, इसका बिहेवियर आप सोचोगे ना HTML की तरह हो जाए, HTML की तरह नहीं होगा, क्योंकि HTML है ही नहीं, और रिएक्ट के अंदर कोई भी चीज़ HTML नहीं है, रिएक्ट के अंदर जितना भी आप लिखोगे ना कोई भी चीज़ HTML नहीं है। तो ये बनाया किसने और ये आया कहाँ से, ये है रिएक्ट के बिल्ट इन कंपोनेंट्स, ठीक है, ये क्या है, रिएक्ट के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ये UL भी रिएक्ट का बिल्ट इन कंपोनेंट है, ये स्ट्रॉन्ग भी क्या है, ये HTML नहीं है, ये रिएक्ट का बिल्ट इन कंपोनेंट है, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए क्या बना रहे हैं, अपना कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपोनेंट का बिहेवियर HTML से थोड़ा सा चेंज हो सकता है और होगा, आप बहुत जगहों पे आपको ये नोट करने में आएगा कि HTML से थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि डिव के ऊपर क्लास नहीं लगती, क्लास नेम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया ना, हालांकि क्लास तो एट्रीब्यूट, उसमें क्लास होती है, तो अभी एट्रीब्यूट है ही नहीं, ये है प्रॉप। अच्छा, फिर इसी तरीके से जैसे विर्थ है, अब विर्थ के अगेंस्ट जो स्ट्रिंग जाता है HTML के अंदर, इसमें जो है वो ऐसे करली ब्रेसेस लग के जा रहा है, प्लेस होल्डर का भी इसमें होगा मोस्ट प्रॉब्ली, सही है। अच्छा, अब ये पता कैसे लगेगा कि भाई कौन कौन से बिल्ट इन कंपोनेंट अवेलेबल हैं, ये भी तो एक सवाल है ना, ये अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से बिल्ट इन कंपोनेंट अवेलेबल हैं, तो जितने भी HTML के टैग्स होते हैं, रिएक्ट के जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं ना, ऑलमोस्ट जितने भी सारे HTML के एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। अच्छा यार, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो डिव है, ये जो UL है, ये जो IMG है, ये सारे के सारे क्या है, ये HTML नहीं है, बल्कि ये रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं, और इसको किसने बनाया, इसको हमने नहीं बनाया, इसको रिएक्ट वालों ने बनाया, और जब रिएक्ट हम इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट की लाइब्रेरी, तो ये सारे कंपोनेंट हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। लेकिन इसकी मैंने लिस्ट ढूंढने की कोशिश की थी अभी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं है। हाउएवर, रिएक्ट की वेबसाइट के ऊपर, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर इन तमाम कंपोनेंट की क्या बनी हुई है, एक लिस्ट बनी हुई है कि यार ये कंपोनेंट अवेलेबल हैं। वैसे तो इन जनरल मैंने कह दिया कि जितने HTML में टैग्स होते हैं उतने ही इसमें कंपोनेंट हैं, लेकिन असल में उतने नहीं हैं, उससे थोड़े कम हैं। कुछ ऐसे भी HTML के टैग्स हैं जो इसमें रिएक्ट के कंपोनेंट्स में अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर एक डिव है तो HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं डिव के, वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, और रिएक्ट के अंदर जो प्रॉप होंगे ना इसी डिव के, वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। समटाइम एक आध प्रॉप एक्स्ट्रा होगा जो HTML में नहीं होता है, समटाइम एक आध प्रॉप कम होगा जो HTML में होगा इसमें नहीं होगा, समटाइम एक आध प्रॉप चेंज होगा कि HTML के एट्रीब्यूट ज़रा कुछ और होता है और इसका कुछ और होगा, ठीक है। तो आपको वो वक्तन फवक्तन ज़रा पता लगता भी रहेगा, होपफुली आपको वो डॉक्यूमेंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप कोई गूगल पे सवाल पूछेंगे ना जब, तो लोगों ने लिख के बताया होता है, अच्छा ये काम ऐसे होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जैसे क्लास नेम है,
तो आप पूछेंगे यार रिएक्ट में क्लास लगा रहा हूँ लग रही नहीं है, तो बंदे बोलेंगे यार क्लास नेम लगाओ, जवाब मिल जाता है फौरन आपको। तो होपफुली आपको उस डॉक्यूमेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।